मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरे माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफरत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती है मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आंख है कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे, इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आंख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती। उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था, तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया और वहाँ की यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद मैंने वही शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था, फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे ये जिंदगी बहुत पसंद थी। दिन ब दिन ये खुशी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आंख की डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने इन्हें डांटते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की, चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह मुझे माफ करे, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मैं पुराने स्कूल चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर में गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और जब मैंने सुना कि तुम यह अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आंख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू, मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो पूरी जिंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि किसी इंसान के अपंगत्व के लिए कभी उससे नफरत ना करे, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करे, उनके बलिदान को कभी ना भूले। उन्होंने ही हमें ये जिंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह ही हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा हमें देते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए।